लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश से हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात समेत देश के कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजस्थान के जालौर जिले में भारी बारिश के चलते पहाड़ी झरने के तेज बहाव में 5 लोग बह गए, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई। त्रिपुरा में भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान के दौरान 2 लोगों की जान चली गई है। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में छिपरा नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट पर मौजूद मंदिर जलमग्न हो गया। उत्तराखंड में पिंडारी ग्लेशियर मार्ग को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि अगले महीने से ही इस पर ट्रैकिंग शुरू होने वाली है। इस बीच मौसम विभाग ने 26 अगस्त तक गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और बंगाल से लेकर त्रिपुरा और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त की सुबह तक के लिए दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं मौसम विभाग के भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर मछुआरों को 27 अगस्त तक अरब सागर में न जाने की सलाह दी गई है, जबकि उत्तर गुजरात में शनिवार को कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ और गांवों को जोड़ने वाली राज्य के राजमार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है। अधिकारियों के अनुसार राज्य के 206 जलाशयों में से 66 में जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने शनिवार को बंगाल की खाड़ी के उत्तर भाग के चक्रवाती परिसंचरण और जोरदार मानसून के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में 26 अगस्त तक बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। IMD की तरफ से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि चक्रवाती परिसंचरण सोमवार तक क्षेत्र में कम दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील हो सकता है। मौसम कार्यालय ने कहा है कि दक्षिण और उत्तर 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, बांकुरा, हुगली, बीरभूम, पूर्व और पश्चिम वर्धमान जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के अन्य जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 26 अगस्त तक राज्य के तट से बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। वहीं जयपुर से मिली खबर के मुताबिक जालौर जिले के जसवंतपुरा इलाके में करीब 3 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। इससे पहाड़ी से बहने वाले झरने में पानी की रफ्तार तेज हो गई है और सुंधा माता मंदिर का दर्शन करने आए 5 श्रद्धालु पानी के साथ बह गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया। SDRF, NDRF और सेल्फ डिफेंस की टीम को शामिल किया गया है। बचाव टीम ने 3 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। एक महिला का शव भी बरामद हुआ है, लेकिन लापता 5वें श्रद्धालु का अब तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल उसकी तलाश जारी है। राज्य के गंगापुर में भी नदी के तेज बहाव में 65 वर्षीय एक व्यक्ति के बह जाने की भी खबर सामने आई थी, जिसके दौरान उसकी मौत हो गई है। अगरतला में अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण त्रिपुरा के बेलोनिया में बचाव अभियान के दौरान त्रिपुरा स्टेट राइफल के जवान आशीष बोस की नदी में बहने से मौत हो गई। वहीं पश्चिम त्रिपुरा जिले के इंदिरानगर में 3 लोगों को बचाने के दौरान जीप चालक चरणजीत देव की डूबने से मौत हो गई। राज्य में अब तक बाढ़ से 26 लोगों की जान जा चुकी है और 1.28 लाख से अधिक लोग बेघर हुए हैं। त्रिपुरा में NDRF की टीम ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में से 125 लोगों को सुरक्षित निकाला है। राज्य में राहत बचाव कार्य में NDRF की 11 टीमें लगाई गई हैं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 4,000 से अधिक खाने के पैकेट गिराए हैं। शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में वायुसेना ने कहा है कि MI-17 और ALH हेलीकॉप्टर राहत बचाव कार्य में दिन रात लगे हुए हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में 15 सितंबर से पिंडारी और कफनी ग्लेशियर की राह रोमांचक के शौकीनों के लिए खुल जाएगी, लेकिन पिंडारी ग्लेशियर मार्ग पर भारी बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए ट्रैकरों की राह आसान होती नहीं दिख रही है। खाती से 7 किमी आगे रुनेठा के पास पैदल पुल की नींव खोखली हो चुकी है। पुल खतरे की जद में है। द्वाली के समीप चट्टानी रास्ता भी ध्वस्त हो चुका है। इससे पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ गई है। कारोबारियों का कहना है कि ट्रैकरों की एडवांस बुकिंग आने लगी है। पुल और रास्ते को देखते हुए फिलहाल उन्हें समय देने में दिक्कत हो रही है। विभाग को जल्द ही सुध लेनी चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर में 27 और 28 अगस्त को मौसम फिर बदल सकता है। मौसम विभाग केंद्र श्रीनगर के अनुसार इन दिनों में कुछ हिस्सों में भारी बारिश और की सूरत में बाढ़, भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिरने का खतरा है। इस बीच मौसम साफ रहने से प्रदेश में तापमान में वृद्धि हुई है। कश्मीर के कई जिलों में दिन का पारा 31 डिग्री के ऊपर चला गया है। हिमाचल प्रदेश में राजधानी शिमला, ऊना, धर्मशाला और सोलन में शनिवार दोपहर बादल झमाझम बरसे हैं। रविवार और सोमवार को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है।
महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है। शनिवार सुबह 8 बजे से पहले 24 घंटे में 40 तहसीलों में 65 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई है। छत्रपति शिवाजीनगर, जालना, बीड़, नांदेड़, परभणी और हिंगोली जिले में पड़ने वाली तहसीलों में भारी बारिश हुई है। नांदेड़ के लिम्बंग गांव तहसील में सबसे अधिक 116.50 मिलीमीटर वर्षा की रिकॉर्ड दर्ज की गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।